हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा चौधरी। वेलकम टू माय चैनल फूड एंड क्राफ्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज बनाएंगे स्क्रीन पेंटिंग से बेडशीट। ये डबल बेडशीट है, इसमें मैंने सर्कल में डिजाइन बनाया है। आप इसमें और कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है, इसी तरह से आप भी बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी चादर को प्रिंट करना सीखेंगे। आप देख सकते हैं इसमें अपना कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज कर सकते हैं। इसमें बीच में डिजाइन है, वो हमने फैब्रिक पेंटिंग से बनाई है, यानी इसमें हमने ब्रश का यूज़ किया है। ब्रश और कलर, फैब्रिक कलर्स का यूज़ किया है। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फिर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम इस चादर को प्रिंट करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ हमें चाहिए, वो हम देख लेते हैं। इसमें हमें एक बोल और एक स्पून चाहिए, जिसमें कि हम अपना डाई जो है तैयार करेंगे। उसके बाद जो कलर्स हैं, जो डाई हैं हम यूज़ करेंगे, वो हैं इस तरह से है, ये देख लीजिए। इनको हम ब्लॉक प्रिंटिंग कलर के नाम से जानते हैं। तो ये इस तरह से आते हैं, और इनके साथ एक बाइंडर आता है, वाइट कलर का एक पेस्ट होता है। ये जो हम डाई तैयार करते हैं वो इसी में मिक्स करके डाई तैयार करते हैं। इसके अलावा हमें एक स्क्रीन चाहिए। इस स्क्रीन में आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उस डिज़ाइन को आप पहले से बनाएंगे, और उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास बिल्कुल तैयार एक स्क्रीन है। उसके बाद हमें कुछ न्यूज़पेपर की जरूरत पड़ेगी, जिसको कि हम बेडशीट जो भी हम पेंट कर रहे हैं उसके नीचे हम इसको रखेंगे बेस बनाने के लिए, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें कुछ पुराने, अगर हमारे पास और थिक फैब्रिक हैं तो उनको भी हम नीचे रखेंगे, क्योंकि हमें बेडशीट के नीचे एक थिक सरफेस रखनी है, ताकि जो भी हम प्रिंट कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर आए, इसीलिए हम उनको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमें, हम जो प्रिंट कर रहे हैं एक बेडशीट, वो चाहिए। मैं इसमें डबल बेडशीट वाइट कलर की यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मुझे प्रिंट करना है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को लेकर प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बेडशीट को अपनी बेड पर बिछा के देख लेंगे कि वो उसमें कितना हमें बीच में डिज़ाइन बनाना है। तो सबसे पहले मैंने इसमें 10 इंच का बीच में से बिल्कुल मिड पॉइंट निकाला है, और उसमें 10 इंच का एक सर्कल तैयार किया है। उसके बाद इस सर्कल से मैंने 18 इंच का एक और सर्कल है, जिसमें मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। उसको मैंने चारों तरफ ड्रॉ कर लिया है अच्छे से, उसमें चौक से इस तरह से निशान लगाएं कि पूरा अच्छे से हमें दिखाई देना चाहिए सर्कल। अब मैं इसकी चारों तरफ डिजाइन प्रिंट करूंगी। हमने सबसे पहले बाइंडर लिया है, लगभग 3 या 3.5 चम्मच इसमें हमने बाइंडर लिया है, और उसमें कुछ ड्रॉप्स जो है वो रेड डाई की हमने इसमें डाली है। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको और भी डार्क इसमें चाहिए कलर, तो आप उतना ही ड्रॉप्स इसमें मिक्स करेंगे, और उसको अच्छे से पेस्ट को तैयार करेंगे। अब इसी पेस्ट में हम पिक्चर का यूज़ करेंगे। इसमें कुछ ड्रॉप्स जो है पिक्चर की आपको डालनी होंगी। इस तरह से एक लिक्विड फॉर्म में ही आता है पिक्चर, इसको हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेंगे। और अब हम इसके बाद अपनी स्क्रीन को सेट करेंगे, जो जिस भी फैब्रिक हम प्रिंट करने वाले हैं। जैसे ये सबसे बड़ी वाली लाइन है, छोटा वाला सर्कल ये रहा, और ये बड़ा वाला सर्कल है। इसके जस्ट थोड़ा सा जो हमारी डिज़ाइन है वो इसके ऊपर आनी चाहिए थोड़ा सा। तो इसमें देख लीजिए, आप इस तरह से उल्टी करके इसको रखेंगे बैक साइड से, और मेरे को ये वाले डिज़ाइन जो है प्रिंट करनी है, तो जो लाइन इसमें है वो इस तरह से जा रही है, यानी हमें ये सर्कल फॉर्म में लाना है। तो हमें इस तरह से लाइन से जस्ट थोड़ा सा ऊपर करके डिज़ाइन को रखना है, हमें पहले से सेट कर लेना है इसको। और उसके बाद इसको हम अच्छे से दबा लेंगे दोनों साइड से, और फिर हम इसको प्रिंट करेंगे। इसमें हम डाई जो है वो इस तरह से रखेंगे। आप देख लीजिए किस तरह से रखनी है इमेज। अब देखिए, इसमें हमने डाई इस तरह से रख ली है, जो डिज़ाइन है से थोड़ा सा हटके हम रखेंगे, और हमें इस एक स्क्वीजी की जरूरत पड़ेगी। इसमें इस तरह से होती है, अपर साइड जो है वो उसका फ्लेक्सिबल होता है, तो हम इसको अच्छे से जो डाई है वो स्क्रीन पर मूव कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम इसको इस तरह से रखेंगे डाई को, और जो डिज़ाइन है वो कस के बिल्कुल नीचे फैब्रिक से बिल्कुल सटी हुई होनी चाहिए, ताकि कोई भी डाई हो नीचे एक्स्ट्रा में ना निकले। अब देखिए हम इसको किस तरह से फिर से वापस आएंगे, और फिर से इस तरह से खींचते जाएंगे।
में जो डाई है वो इसके ऊपर नहीं रहनी चाहिए, उसे अच्छे से मूव करके आप स्क्यूजी पे ही लेके अपने जो भी बोल है उसमें डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ऊपर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा डाई नहीं रहनी चाहिए। अब हम इसको अच्छे से हटाएंगे, धीरे धीरे आप हटाएंगे इसको और इसको अलग हटाएंगे। तो इस तरह से हमारी डिज़ाइन आएगी, आप देख सकते हैं ये कितनी प्यारी लग रही है। तो इसमें उसी तरह से थोड़ा सा इसमें हम स्पेस छोड़ेंगे, लगभग एक या डेढ़ इंच का स्पेस छोड़ने के बाद फिर से हम उसी डिज़ाइन को कॉपी करेंगे। इसी तरह से जो हमारी स्क्रीन है उसको हम पहले तो वेट क्लॉथ से क्लीन करेंगे, उसके बाद हम उसको सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे, तो हमारी वो दोबारा से यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगी। तो हम फिर से इसको इसी तरह से पूरी डिज़ाइन को सर्कल में बना लेंगे। देखिए ये हमारा जो है फर्स्ट डिज़ाइन प्रिंट हो चुका है, इसमें ये पूरा सर्कल में इस तरह से हमने रेड डाई से इसको अच्छे से प्रिंट कर लिया है। और ये सूखने के बाद इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसमें इक्वल आपको स्पेस रखनी है हर डिज़ाइन बनाने के बाद। उसके बाद हमारा आता है बीच का पोर्शन, इसमें जो हमारा छोटा सर्कल था उसका उस पर हम प्रिंट करेंगे। इसमें ये देखिए इसको हमने मिड पॉइंट निकाल लिया है। उसके बाद जो डिज़ाइन जितना भी स्पेस कवर कर रही है उसको छोड़कर हम उतना ही स्पेस लेके नाप के इसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप देके हम निशान लगा लेंगे, जैसे मैंने लगाए हुए हैं इस तरह से। अब हम इसको प्रिंट करेंगे। ये सेम डिज़ाइन है यही वाली, लेकिन इसके बस कलर हमने चेंज किया हुआ है, इसमें हमने ब्लू कलर को लिया है और इससे हम इसको प्रिंट करेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, उसी तरह से प्रिंट करेंगे जैसे हमने ये करा था। इस तरह से इसमें मैंने अपनी पहले स्क्रीन को सेट कर लिया है के अकॉर्डिंग, और उसके बाद मैंने इसमें कलर रखा और अब मैं इसको उसके को मूव करूँगी स्क्वीजी को, तो ये डिज़ाइन जो है पहले की तरह जैसे हमने करा था उसी तरह से उसको प्रिंट करेंगे। ये डिज़ाइन हमारी इस तरह से ब्लू कलर में आएगी, ये बहुत प्यारी लग रही है इसमें भी। तो हमारा ये कॉम्बिनेशन रेड एंड ब्लू का बनेगा और जो कि बहुत प्यारा लगेगा इसके ऊपर। और उसके बाद इस तरह से निशान के अकॉर्डिंग जो भी हमने इसमें लगाए हैं बनाते हुए जाएंगे और एक सर्कल फॉर्म इसको देंगे, जैसा कि पहले हमने बड़े वाले सर्कल में इस तरह से दिया था। आप इसे इस तरह से पूरा कर लें। इस तरह देखिए हमारी ये डिज़ाइन पूरी कंप्लीट हो गई है। इसमें पांच जो है हमारी डिज़ाइन आई है, इस तरह से सर्कल में होना चाहिए। अब हम इसके बीच में बनाएंगे एक डिज़ाइन जो कि बिल्कुल मिड में ये है, और इसके जो कॉर्नर्स हैं जो हमें हमने डिज़ाइन बनाई है उसके बाद कुछ कॉर्नर्स बचे हैं, इसमें स्पेस बचा है उसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। बीच की डिज़ाइन बनाने के बाद हम कॉर्नर्स को बनाएंगे। आप ये कॉर्नर्स देख लीजिए, इसमें जो सबसे बड़ा वाला राउंड है उसके उससे हम 7 इंच दूर एक निशान लगाएंगे। ये बिल्कुल कॉर्नर्स से मैच होता हुआ होना चाहिए इस तरह से, और जितनी डिज़ाइन है लगभग ये 10 इंच तक मैंने लगा दिया है, इसके बीच में वो डिज़ाइन आएगी। इसमें डिज़ाइन देखिए, इसमें हम ये वाली डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसको हम अच्छे से सेट करेंगे पहले, तो इस तरह से आप देख लीजिए, इस तरह से। और इसका जो फेस है वो इस तरह से होना चाहिए कि कॉर्नर्स से मैच करता होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे कलर्स रखेंगे। उसके यहाँ तक रखते हुए फिर हम इसके स्पीजी से इस तरह खींच देंगे जैसे कि पहले करा था, उसके बाद हम प्रिंट कर लेंगे इसे। बेडशीट का भी और इसका भी, और उसको सेट करने के बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे।
फ्राई करने के बाद आप इसको हटा दीजिए। इस तरह से ये आपका ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको पेंट करना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपको एक फ्रेम की जरूरत है। इसमें आपको दो ब्रश, आप किसी भी नंबर के ले सकते हैं, और दो कलर व्हाइट और रेड। इसको हमने हमारा इसके पास ब्लू कलर है, इसलिए हम इसका अपोजिट रेड कलर लेंगे, क्योंकि हमने दो कलर ब्लू और रेड का ही यूज किया गया है इसमें। तो हम इसको सेट करेंगे फ्रेम को। इसके बाद हम पहले व्हाइट पेंट लेंगे। ये फैब्रिक प्रिंट पेंट है, देखिए रेड कलर ले लिया इसमें शेडिंग इस तरह से आपको इसमें एक साइड से पहले एक फर्स देंगे से। हमने पहले कर चुके हैं, थोड़ी बड़े स्ट्रोक आप रखिए, लेकिन जब आप ऊपर करेंगे तो वो छोटे स्ट्रोक रखिए। नीचे की साइड ये डार्क और ऊपर की साइड लाइट में होगा ये। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। जब आपका ये इस तरह से कंप्लीट हो जाए तो आप इसको निकाल दीजिए और इसे सुखाने के लिए रख दीजिए। कुछ ही देर में ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा और नीचे का भी आप इस तरह से निकाल दीजिए। देख सकते हैं आप कि आपके बैग पर किस तरह की सुंदर लगेगी। साइड डिजाइन इसमें बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल फूड एंड क्राफ्ट